व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू मोटिफाई ब्लॉग्स। मैं हूं अमित अनाज। के वीडियो में बात करने वाले हैं वरदान जी के रेट्रो एग्जॉस्ट के बारे में। तो जैसे कि आपने वीडियो को टाइटल एंड थंबनेल से देख लिया होगा कि आज हम करने वाले हैं इसका रिव्यू एंड इसके बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, कहां से ले सकते हो, कितनी प्राइसिंग का है, साउंड परफॉर्मेंस एंड सारी चीज़ें यहाँ पे टेस्ट करेंगे हम प्रॉपरली। सो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। एंड अगर आप भी ऐसे कुछ अपने बाइक के लिए देख रहे थे एग्जॉस्ट, सो दिस वीडियो कैन रियली हेल्प यू इन मेकिंग योर डिसीजन। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो गाइज ये देख सकते हो, ये है एग्जॉस्ट। एंड यहाँ पे इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो वरदान जी की किस तरह से मिलती है। तो मैं इसको जल्दी से ओपन करता हूँ, इसके बाद आपको दिखाता हूँ किस तरह का एग्जॉस्ट है। तो ये चीज़ आपको अलग मिलती है, इसकी अटैचमेंट्स हैं। तो इसको मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जॉस्ट ब्रैकेट CLPC एंड ये देख सकते हो इसका 275 रुपीज़ का आता है, ब्लैक कलर का ये दिया हुआ है। सो बेसिकली दिस इज़ अ क्लैम्प जहाँ पे आपका एग्जॉस्ट हैंग करता है। तो स्टॉक वाला यूज़ में नहीं आएगा, आपको यहाँ पे इसके लिए अलग से एक फिटमेंट मिलता है ब्रैकेट। तो इसको निकाल लेते हैं। ऑलराइट, तो देख सकते हो इसकी पैकेजिंग कितने अच्छे से इसको सेपरेट रखा हुआ है। तो कुछ इस टाइप का आपको मिलता है, देख सकते हो इसकी क्वालिटी, इसकी थिकनेस कितनी अच्छी है, मतलब हैवी ड्यूटी दिया हुआ है यहाँ पे आपको ये। चलिए इसको रखते हैं साइड एंड बाकी चीज़ें निकाल लेते हैं। देख सकते हो ये है वरदान जी का एग्जॉस्ट, काफ़ी हैवी है। चलिए इसको निकाल लेते हैं, अच्छे से पैक किया हुआ है। एंड इस साइड अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेट्रो एग्जॉस्ट असेंबली C4 एंड दिस इज़ द इमेज ऑफ द एग्जॉस्ट। 4095 रुपीज़ का आता है और कुछ है नहीं इस साइड भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सामने की तरफ वरदान जी की ब्रांडिंग दी गई है, यहाँ पे वरदान जी लिखा हुआ है, इस साइड वरदान जी की ब्रांडिंग है एंड अगेन दिस साइड वरदान जी हर जगह वरदान जी लिखा हुआ है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। राइट, बेसिकली दिस इज फॉर द डिफरेंट साइज फिटिंग के लिए होता है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो एग्जॉस्ट इस तरह से बबल रैप किया हुआ है, सुपर पैकेजिंग। सो देख सकते हो ये है एग्जॉस्ट, इस साइड आपको एल्युमिनियम CNC बिल्ट है एंड इट्स क्वाइट हैवी। मुझे लगा था कि काफ़ी छोटा है तो कॉम्पैक्ट रहेगा एंड इतना हैवी नहीं होगा, बट दिस इज़ क्वाइट अ हैवी एग्जॉस्ट। तो देख सकते हो कुछ ऐसा सा है, ये इसका फ्रंट लुक है। तो चलिए अब इसको फिट करते हैं। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले एक बार अपना जो स्टॉक एग्जॉस्ट है उसको एक बार सुन लेते हैं किस तरह से ये साउंड करता है। तो कुछ ऐसा सा साउंड करता है स्टॉक एग्जॉस्ट। चलिए तो अब जल्दी से इसको इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालते हैं और इसको फिट करते हैं, फिर इसकी आवाज़ सुनते हैं किस तरह से इसका एग्जॉस्ट नोट आता है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो इसका वेट जो आ रहा है 4.8 kg है एंड अब इसको हटाते हैं पूरा और एक बार स्टॉक वाले को देखते हैं कितना वेट आता है। यहाँ पे भी 4.8, मतलब एग्जैक्टली सेम वेट का दोनों ही एग्जॉस्ट है, बट आप साइज़ में डिफरेंस देख सकते हो क्लियरली कितना डिफरेंस है।
वदांची वाला आप देख सकते हो क्लियरली बहुत शॉर्ट है, एंड ये वाला कितना लॉन्ग होते हुए भी इसका वेट है 4.8 kg। तो वैसे यहाँ पे आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो साइज़ में एंड ऑल्सो इन डिज़ाइन। यहाँ पे ये देख सकते हो स्टॉक एग्जॉस्ट कितना लंबा आता है एंड ये वदांची वाला कितना शॉर्ट में है। यहाँ पे देख सकते हो टॉप पे जो इसका एग्जॉस्ट टिप है इसका एल्युमिनियम CNC कट दिया हुआ है, एंड ऑल्सो यहाँ पे जो इसकी जो हीट शील्ड है वो इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे आपको हीट शील्ड मिलती थी बट यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ लाइक परफोरेटेड दिया हुआ है यहाँ पे हीट शील्ड, तो काफ़ी जल्दी हीट जो है वो मतलब डिसिपेट होगी, तो हीटिंग इस पे ज़्यादा फील नहीं होगी। ऑलराइट गाइस, सो अब इसमें लगाते हैं वदांची का ये रेट्रो एग्जॉस्ट। तो इसको लगाने से पहले आपको ये कॉलर लगाना पड़ेगा, तो देख सकते हो कुछ इस तरह से ये फिट होगा, इसके अंदर ये वाला एग्जॉस्ट आ जाएगा। तो पहले मैं इसको फिट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं प्रॉपरली लगा देता हूँ इसमें। सो देख सकते हो अच्छे से ही लग चुका है बिल्कुल। प्रॉपरली टाइट हो चुका है देख सकते हो। तो इसी के साथ हमारा इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, देख सकते हो किस तरह से ये फिट हो चुका है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ऐसा सा साउंड करता है ये वाला एग्जॉस्ट। अब इसको टेस्ट करेंगे कुछ दिन एंड इसके बाद मैं आपको इसका इनडेप्थ परफॉर्मेंस इन सारा चीज़ें बताऊंगा किस तरह से रहती है। सो गाइस, आपने सुना इसका साउंड एंड आपको पता चल गया किस तरह से ये साउंड करता है एग्जॉस्ट। सो अब बात कर लेते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिज़ाइन दिया हुआ है दिस इज़ द CNC मेड, आपको यहाँ पे कटिंग मिलती है परफोरेटेड, दिस इज़ स्टेनलेस स्टील 304 यू नो प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर द राइडर एंड एज वेल एज फॉर द पिलियन। तो गलती से कभी पाँव ऐसे टच हो जाता है तो उस चीज़ से आपको ये बचाएगा एंड एक्सीडेंट हो जाते हैं ऐसे कई बार पाँव जल जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे इसकी वजह से नहीं होगा। तो काफ़ी अच्छा सा एक लुक दिया हुआ है इसके, वैसे एक आप देख सकते हो फिनिश काफ़ी अच्छी मिलती है बाइक पे, एक यू नो मैस्कुलिन सा लुक मिलता है इसके वैसे, अदरवाइज़ ये एग्जॉस्ट काफ़ी सिंपल सा लगता अगर ये नहीं होता। तो ये देख सकते हो जो क्लैंप यहाँ पे फिटेड है काफ़ी मोटा है 5mm का, जो कि आई डोंट थिंक कोई भी स्टॉक एग्जॉस्ट या आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट में भी आपको ऐसा कुछ मिलता है। ऑल्सो ये वाला पार्ट जो है एल्युमिनियम का ये भी काफ़ी पूरा हैवी सा है। सो दिस पार्ट एक्चुअली वर्क्स लाइक साउंड डैम्पनिंग, तो जो साउंड आता है लाउड साउंड आता है उसको ये डैम्पन कर देता है एंड आपको एक बेसी एंड सूदिंग साउंड मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा फील देता है, मतलब जब आप राइड करते हो तो एग्जॉस्ट वाइब्रेशन यहाँ से रिड्यूस हो जाती है बिकॉज ये पूरा हैवी वेट दिया हुआ है। तो इसी की वजह से बेस इसके अंदर साउंड आता है, जो बेसी नोट है वो इस एल्युमिनियम की ब्लॉक की वजह से आता है। सो दिस इज़ एक्चुअली एन एल्युमिनियम एंड कैप जो कि यहाँ पे फिटेड है, तो इसकी वजह से इसका एक लुक भी आता है एंड ऑल्सो आवाज़ में जो बेसी नोट है वो इसकी वजह से ही आता है, तो काफ़ी अच्छी साउंड करता है।
साइज़ के मामले में काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो छोटा सा है तो वाइब्रेशन इसमें कम आती है, बट इससे जो वाइब्रेशन बॉडी पे फील होती है वो थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द स्टॉक वन, तो ये एक मेरे को थोड़ा ड्रॉबैक लगा, अदरवाइज़ एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ पे आप इसके पेंट यहाँ पे फिनिश देख सकते हो, प्रिस्मेटिक पाउडर कोटिंग किया हुआ है यहाँ पे, एंड ये पूरी पाउडर कोटिंग दी गई है जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली ओरिजिनल से मैच करता हुआ देख सकते हो। ये सैटिन फिनिश में है एंड ये पाउडर कोटिंग है जो स्टॉक आपको मिलता है बाइक पे, तो बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो मतलब ऐसा कुछ अलग से नहीं दिखेगा कि आपने कुछ आफ्टर मार्केट जैसा कुछ यहाँ पे लगाया है जो कि इन्फीरियर क्वालिटी का हो, देख सकते हो बिल्कुल सिमिलर क्वालिटी में यहाँ आपको मिलता है। सो हाई क्वालिटी स्मूथ सेटिन फिनिश आपको इस पर मिलती है, पूरी ब्लैक आउट है ये पार्ट एंड सिर्फ ये एंड कैप एंड ये स्टेनलेस स्टील 304 का ये जो कह सकते हैं हीट शील्ड दिया हुआ है, बस इतना ही आपको ये ब्रश्ड मेटल और वैसा एल्युमिनियम का मिलेगा, बाकी सब चीज़ यहाँ पे ब्लैक्ड आउट है तो काफ़ी अच्छी फिनिश आपको मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसके बोल्ट्स हैं जितने भी सब स्टेनलेस स्टील में दिए हुए हैं, तो रस्टिंग का कोई चांस नहीं रहेगा इस एग्जॉस्ट में जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब नॉर्मली जो एग्जॉस्ट रहते हैं वहाँ पे आयरन के पार्ट ज़्यादा रहते हैं सो उसमें रस्टिंग का इशू बहुत जल्दी आता है, एंड क्योंकि ये ग्राउंड से क्लोज रहता है तो पानी वानी और डर्ट वगैरह चिपकता है तो उसकी वजह से रस्टिंग का इशू रहता है, बट यहाँ पे ऐसा कोई इशू रहेगा नहीं बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका एंड कैप है ये भी एल्युमिनियम का बना हुआ है एंड ये जो पार्ट है स्टेनलेस स्टील है एंड जितने भी बोल्ट हैं सब स्टेनलेस स्टील है, तो रस्टिंग का सच कोई इशू नहीं दिखने वाला है इस पर। सो जो इसकी साउंड है काफ़ी सूदिंग एंड प्लीजिंग साउंड आता है, एंड एग्जॉस्ट जो इसका साउंड करता है एक बेसी थंप मिलता है आपको, मतलब डुक डुक वाला जो साउंड रहता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। सो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे जो इसकी साउंड है पीक वॉल्यूम जो आपको इस एग्जॉस्ट में मिलती है वो है 60 डेसिबल की एट 3500 RPM जो कि परमिसेबल लिमिट में है, तो आपको इससे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब चलान वलान का तभी होगा जब आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट देखेगा कोई तभी कर सकता है, बट लाउडनेस के बेसिस पे कोई इसके ऊपर चलान नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, तो अनलेस आप ओवर रेव करोगे मीन्स अगर आपका RPM हाई रहेगा तो आप फर्स्ट गियर में ही इससे 80 डेसिबल्स साउंड यहाँ से आ सकता है। सो अब सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे मेरे को सुनने को मिलेगा वो है एवरेज कितना दे रही है, मतलब इस एग्जॉस्ट को लगाने के बाद मेरा जो फ्यूल इकोनॉमी है वो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ जो मेरा फ्यूल इकोनॉमी अभी मिल रही है एट प्रेजेंट वो है 37.1 आई गेस, मतलब 37 अराउंड मेरे को मिल रहा है ऑन हाईवे एंड 32 अराउंड मिल रहा है 31-32 मिल रहा है मुझे सिटी लिमिट्स में, एंड ये एक्चुअली प्रूवन है टेस्टेड है, मतलब यहाँ पे मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ किस तरह से, बिकॉज ये मैंने कैलकुलेट किया है यूजिंग दिस ऐप कॉल एजस GPS डिवाइस है, एंड वहाँ पे अगर आप देखो तो ये आप देख सकते हो फिगर्स, ये है 11th अप्रैल की राइड का जहाँ पे 202 किलोमीटर्स राइड किया था एंड 5.44 लीटर पेट्रोल कंज्यूम हुआ है, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें आएगा 37 अराउंड आएगा क्योंकि मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये 37 पॉइंट समथिंग आता है, एंड ये 25.47 मतलब 25 किलोमीटर की राइड सिटी में थी तो ये 25.47 एंड 0.80 लीटर्स का यहाँ पे फ्यूल कंज्यूम हुआ है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 31-32 आई गेस इतना आता है, तो ये है सिटी एंड ये है हाईवे, एंड ये चीज़ कैसे चेक होता है यहाँ पे बेसिकली आप फ्यूल लॉग करते हो, तो इस पर देख सकते हो फ्यूल लॉग मैंने किया है, जो लास्ट मैंने फ्यूल डलाया था वो था 4 अप्रैल को 4942 जब मेरा ऑटोमीटर था तब मैंने 500 का डलाया था एंड फुल टैंक कराया था, ये उसकी रीडिंग है, एंड इसके बाद मैंने नेक्स्ट कराया था 10 अप्रैल को 5225.1 तब मैंने डलाया था 749 रुपीज़ का, क्लियर है इसका एवरेज कितना मिल रहा है वो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ से, और जैसे मैंने बताया यहाँ पे मेरे को माइलेज इससे मिल रही है 37। अब देखो माइलेज की जो बात है वो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, नॉट जस्ट कि आप कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हो या आपकी राइडिंग स्टाइल क्या है, बट ऑल्सो अगर आप पिलियन को बैठा के चला रहे हो या आपका जो एयर फिल्टर है वो क्लीन नहीं है, आप किस टाइप का फ्यूल यूज़ कर रहे हो, मतलब टायर प्रेशर, बहुत सारे इकोनॉमिक्स रहते हैं, सो सिर्फ एग्जॉस्ट चेंज करने से माइलेज में ड्रॉप नहीं मिलेगा आपको या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं मिलेगा,
जो मेरे को इंक्रीज़ मिल रहा है वो है फ्यूल एडिटिव की वजह से, जिससे आपका जो फ्यूल होता है वो काफ़ी अच्छी तरह से कंबशन अच्छे से होता है, एंड उसकी वजह से कि आपका जो माइलेज है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। सो दैट इज़ द थिंग। उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो रहेगा, मैं आपको सारी डिटेल दूंगा कैसे उसको यूज़ करते हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे इस एग्जॉस्ट की जो परफॉर्मेंस है मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो आवाज़ है वो काफ़ी अच्छी है, जो बिल्ड क्वालिटी है, जो फिनिश है, फिट एंड फिनिश सब कुछ बढ़िया है। हाईवे पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, अच्छी माइलेज मिलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेरी राइड्स बेसिकली हाईवेज़ पे ज़्यादा होती है, मैं सिटी में इसको कम राइड करता हूँ, एंड इसके वजह से मेरे लिए काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट है। और अगर आप भी ऐसा कुछ देख रहे हो, एग्जॉस्ट सिटी एंड हाईवे दोनों के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा है। एंड यस, इसके अंदर डीबी किलर नहीं आता है, तो इसके लिए मैंने डीबी किलर बेसिकली, ये अपना मेरे पास पुराना डीबी किलर एक पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको ट्राई किया, फिट हो जाता है प्रॉपर्ली, नो इश्यूज़। बट इससे जो साउंड आती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, मतलब यहाँ पे जो बेसी नोट आता है इसका वो बिल्कुल से चला जाता है, एंड इसके बाद आपको एक लाउड एंड शार्प नॉइज़ आती है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से काम के लिए नहीं, इसीलिए कंपनी यहाँ पे आपको डीबी किलर नहीं देती है। एंड क्योंकि ये परमिसेबल लिमिट में है, 60 डेसिबल के अंदर आता है 3500 RPM में, तो आई डोंट थिंक डीबी किलर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आफ्टर मार्केट डीबी किलर लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो इन शॉर्ट, दिस एग्जॉस्ट इज़ नॉट द लाउडेस्ट आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट फॉर दी आरी क्लासिक, स्टैंडर्ड एंड एल्ट्रा, तीनों के लिए आपको मिल जाएगा। एंड ऑल्सो थंडरबर्ड के लिए भी आपको यहाँ पे है, अलग अलग प्राइजेस हैं सबके, तो उसकी सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। आपको अगर आपकी बाइक के लिए चाहिए तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। RPM पे 60 decibel जितना साउंड आपको यहाँ से मिलेगा, सो परमिसेबल लिमिट में है, एंड इट्स नॉट लाउड बट थंप अच्छा है, एंड इसके लिए मैं डेफिनेटली कहूँगा ये एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा है, गो फॉर इट। तो यहाँ पे ये है एग्जॉस्ट, इसके अलावा अभी यहाँ पे मैंने लगाया है बैकरेस्ट एंड लेग गार्ड, सेम फ्रॉम दी वरदानची ब्रांड। तो अभी और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ, मतलब मॉडिफिकेशन यहाँ पे काफ़ी सारी होंगी वरदानची की। तो सबसे पहले मेरा जो लिस्ट में है, बकेट लिस्ट में, वो है सीट्स एंड हैंडल बार, तो ये दो चीज़ हैं जो मैं अभी नेक्स्ट करने वाला हूँ। इसके अलावा भी काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन आते रहेंगे, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और आपकी तरफ से कोई भी ऐसा सजेशन वगैरह रहेगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, तो आप इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। सो आई गेस मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी हैं। सो यही था वीडियो आज का, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मोटिफाई ब्लॉग्स, स्टे सेफ एंड राइड सेफ, बाय। Change up.